सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, जो कि आपको बताएंगे पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलेंगे वर्ल्ड कप 2019 के सारे मैचों में। तो गाइस, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, जो कि ये कन्फर्म प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2019 के लिए पाकिस्तान की टीम ने आखिरकार पाकिस्तान का पूरा कंफर्म फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि सबसे पहले चेंजेस की है, मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया है पाकिस्तानी गेंदबाजों के खराब फॉर्म के चलते, जो कि सबसे पहले फहीम अशरफ को पाकिस्तान की टीम से बाहर करा है, उनकी जगह पर टीम में शामिल किया है मोहम्मद आमिर को, जो कि एक जबरदस्त तेज गेंदबाज माने जाते हैं और बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं। तो वहीं इसके बाद दूसरी बड़ी चेंजेस की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि आबिद अली को पहले टीम में शामिल किया था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन आबिद अली को टीम से बाहर करके उनकी जगह पर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे आसिफ अली को टीम में शामिल किया है। तो वहीं इसके बाद तीसरी बड़ी चेंजेस की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जहां सबसे पहले जुनैद खान पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन जुनैद खान के भी खराब फॉर्म के चलते उनकी जगह पर टीम में एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज वहाब रियाज को शामिल कर लिया गया है। तो गाइस, अब बिना देरी के हुए चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो कुछ इस तरह से होगी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के सारे मैचों में, जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर एक पर होंगे फखर जमान पाकिस्तान टीम के, जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, जो कि काफी अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, जिस भी मैच में चलते हैं पूरा मैच लड़कर रख देते हैं अपने दम पर। तो इसके बाद नंबर दो पर नाम आता है इमामुल हक का, जो कि एक जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज है पाकिस्तान टीम से, और इनसे काफी ज्यादा उम्मीदों की एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने की पाकिस्तान टीम को। वहीं अगर हम बात की नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर होंगे बाबर आजम पाकिस्तान टीम के, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, जो कि डाउन के बैटिंग करेंगे। वहीं अगर हम बात के नंबर चार की, तो नंबर चार पर होंगे मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर, जो कि खास तौर पर काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। अगर बात की नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर होंगे सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान। अगर बात की नंबर छह की, तो नंबर छह पर होंगे आसिफ अली पाकिस्तान टीम के हार्ड हिटर, जो कि ये काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अगर बात की नंबर सात की, तो नंबर सात पर होंगे इमाद वसीम पाकिस्तान टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर, जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। तो वहीं इसके बाद नंबर आठ पर होंगे पाकिस्तान टीम के जबरदस्त स्पिनर शादाब खान। अगर बात की नंबर नौ की, तो नंबर नौ पर होंगे हसन अली पाकिस्तान टीम के विकेट टेकर फास्ट बॉलर, जो कि इस टाइम पर काफी महंगे साबित हो रहे हैं और विकेट भी छटका नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इनसे काफी ज्यादा उम्मीद होगी कि जबरदस्त कमबैक करें वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में। वहीं अगर हम बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के जबरदस्त फास्ट बॉलर। अगर बात की नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर होंगे साइंस आफरीदी या फिर वहाब रियाज, जो कि ये दोनों ही खिलाड़ी इन और आउट होते रहेंगे सिचुएशन के हिसाब से, कभी साइंस आफरीदी खेलेंगे तो कभी वहाब रियाज खेलेंगे प्लेइंग 11 में। तो गाइस, जीरी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि पाकिस्तान की टीम में शोएब मलिक की जगह इस टाइम पर नहीं बन रही है, जो कि सिर्फ एक ही जगह है शोएब मलिक के लिए। अगर इमाद वसीम खराब फॉर्म में चलते हैं, तो ऐसे में उनकी जगह पर टीम में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं अगर मोहम्मद हफीज अच्छे फॉर्म में नहीं रहे, तो उनकी जगह पर 110% हारिस सोहेल को खिलाया जाएगा, जो कि हारिस सोहेल भी एक मिडिल ऑर्डर के काफी जबरदस्त बल्लेबाज माने जाते हैं। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपनी राय जरूर दें। आपके हिसाब से वो कौन से पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए वर्ल्ड कप के सारे ही मैचों में।